देश भर में कोरोना को मात देने के लिए संजीवनी की जरूरत है, और जिस संजीवनी की जरूरत है उसके लिए अब कंपनी ने कीमतों का भी ऐलान किया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन डोज की कीमतों की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है राज्य सरकार के लिए प्रति डोज 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति डोज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हमने कोवैक्सीन डोज की कीमतों की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने एक्सपोर्ट के लिए इसके दाम 15 से 20 डॉलर रखने का ऐलान किया है। इधर देश में अप्रूवल पाने वाली दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने भी 21 अप्रैल यानी बुधवार को नए दाम घोषणा किए थे, जिसमें उसने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड 600 रुपये में, राज्य सरकारों को 400 रुपये में और केंद्र सरकार को पहले की तरह 150 रुपये में दी जाएगी। अभी कुल प्रोडक्शन में से 50% वैक्सीन केंद्र के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भेजी जाती है, बाकी 50% वैक्सीन राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाती है। हालांकि वैक्सीन के इस कीमत को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि जब केंद्र को टीका 150 रुपये प्रति खुराक उपलब्ध कराया जा सकता है तो राज्यों से अधिक राशि लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दामों की तुलना की जाए तो कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपये और कोवैक्सीन भी केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिल जाएगी। वहीं 400 रुपये में राज्य सरकार को कोविशील्ड की वैक्सीन मिलेगी, तो वहीं राज्य सरकार को 600 रुपये में कोवैक्सीन दिया जाएगा। 600 रुपये प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड और 1200 रुपये प्राइवेट अस्पतालों को कोवैक्सीन की डोज मिलेगी। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो 2.15 से लेकर 3.25 प्रति डॉलर के हिसाब से कोविशील्ड वैक्सीन की डोज और 15 से 20 डॉलर प्रति डोज के हिसाब से कोवैक्सीन की दी जाएगी। कोविशील्ड की अपेक्षा कोवैक्सीन का टीका राज्य सरकारों को 50% यानी 200 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को 2 गुनी यानी 600 रुपये महंगा खरीदना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सफल वैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की कोशिशों से बनी पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक के तौर पर सामने आई है। कंपनी ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे अंतिम नतीजों के आधार पर दावा किया है कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिशिएंसी 78% है, यानी यह वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि जिन्हें ट्रायल में यह वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। हाल ही में ICMR ने यह भी कहा है कि भारत में बढ़ रहे रीइंफेक्शन के केसेस में UK, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वेरियंट सामने आए, कोवैक्सीन इनसे भी प्रोटेक्शन दे सकती है। हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया था। अब हर साल इसके 70 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। कंपनी ने अपने हैदराबाद और बेंगलुरु के नई प्लांट की क्षमता बढ़ाई है। वित्त मंत्रालय ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत एंड बायोटेक कंपनी को 1567.50 करोड़ रुपये एडवांस देने का ऐलान किया है। तो वही कंपनी ने कहा है कि वह जुलाई के हर महीने 5.35 करोड़ वैक्सीन तैयार करना शुरू कर देगी। बता दें कि कंपनी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित होती है, लेकिन उनमें काफी जटिलता होती है, इसको तैयार करना भी महंगा पड़ता है, इसलिए लाइव वायरस वैक्सीन के मुकाबले इसका उत्पादन कम होता है। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से जारी है। देश में अब तक 13.83 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल हैं। अब तक दी गई कुल डोज 58.92% 8 राज्यों में दी गई। वहीं देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के 9,58,16,805 लोग पहली डोज और 92,97,418 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे, लेकिन इस फेज के लिए केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। पहले और दूसरे चरण में जहां वॉक इन की अनुमति थी, इस चरण में वॉक इन पंजीकरण नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि सभी को आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है।